24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं ताजा खबरों पर। मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक लुगेल ग्राम पंचायत के MPV 83 नंबर गांव में भारतीय जनता पार्टी BJP की तरफ से उनके कालीमेला जोन 1 के उम्मीदवार श्रीमती विभा सरकार को लेकर चुनाव प्रचार के लिए बैठक की गई। बीजू जनता दल नवीन पटनायक सरकार की विफलता एवं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सफलता का मेन मुद्दा इस पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में रहेगा। ओडिशा के 30 नवंबर जिला मालकानगिरी को हमेशा बीजू जनता दल के नवीन पटनायक सरकार ने अवहेलना की है, यह शिकायत की है। भाजपा के राज्य उपसभापति बलभद्र मांझी एवं जिला के वरिष्ठ नेता तथा जिला BJP सभापति निमाई चंद्र पाल, युवा जिला सभापति भवानी सरकार मुखर्जी, पूर्व जिला परिषद मेंबर समीर मिस्त्री, उत्तम राय मालावरम मंडलम सभापति नारायण सरकार ने ओडिशा राज्य तथा मालकानगिरी जिला में मोदी जी के आयुष्मान योजना कार्ड, जो कि गरीबों के कल्याण तथा चिकित्सा के लिए लागू करने बीजू जनता दल के नवीन पटनायक सरकार ने नहीं देने से यहां के लोग आज भी चिकित्सा से वंचित रह गए हैं। भाजपा नेता बलभद्र मांझी ने बताया है कि आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के कालीमेला जिला परिषद जोन नंबर 1 के उम्मीदवार श्रीमती विभा सरकार को कमल फूल पद फूल चिन्ह में मतदान कर यानी विपुल संख्या में वोट देकर जिताने के लिए लुगेल पंचायत के सभी वोटरों से हाथ जोड़कर अनुरोध किया। आयुष्मान भारत गोटे प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना रे मोदी जी कहले प्रति गरीब व्यक्ति को परिवार को 5 लाख टंका मुझे देवी। भारत सारा सब आड़े योजना लागू हो गया। ओडिशा रे नवीन पटनायक कहले ना मु बिजु स्वास्थ्य योजना देवी। घोषणा केबे कले 2018 रे कार्ड केबे बांटुचंती पंचायत इलेक्शन आसला बोल 4 वर्ष लागला कार्ड बनेबा पाए। ओडिशा मालकानगिरी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।